हेलो दोस्तों, तो हम लोग मार्च से लेके मई तक के मैगज़ीन को कवर कर रहे थे। इन्वायरमेंट का सेक्शन चल रहा था, तो इस वीडियो में हम लोग स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन न्यूज़ को कवर करेंगे। तो करीब 12-13 यहाँ पे स्पीसीज़ हमें कवर करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरेशियन ऑटर, इसको देखते हैं। तो यह एक सेमी एक्वेटिक मैमल है जो कि नेटिव है यूरेशियन रीजन का। यूरेशियन रीजन मतलब यूरोप और एशिया वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहली बारी देखा गया है इन ब्रैकिश वाटर लगून इन चिलिका उड़ीसा, ठीक है। इस कारण से ये न्यूज़ में था और इस कारण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यूरेशियन ऑटर जो है, इसका आयुषियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। और इनके ऊपर जो थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो पॉल्यूशन का थ्रेट है, पोचिंग, हैबिटेट लॉस का थ्रेट है, एक्सीडेंटल ट्रैपिंग और रोड किल का भी थ्रेट है, ठीक है। इंडिया में आपको 3 स्पीसीज ऑटर की मिल जाएंगी, जो कि टोटल 13 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। तो 3 स्पीसीज कौन से मिलेगी इंडिया में, यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, इनका आयुषियन स्टेटस वल्नरेबल है, और स्मॉल क्लॉड ऑटर, जिनका आईसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आईसीएन स्टेटस ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो अब एक बार इनका इमेज देख लेते हैं। तो यूरेशियन ऑटर कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इनका आप याद रखिएगा, आईसीएन स्टेटस जो है यह नियर थ्रेटेंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज है वह है रेड पैंडाज स्पीसीज। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक स्टडी किया गया एंडेंजर्ड मैमल्स के ऊपर में। तो यहाँ पे पाया गया कि रेड पैंडाज जो एशियन हाई माउंटेन्स में पाए जाते हैं, यह बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट स्पीसीज इनके होते हैं, ठीक है। एक है चाइनीज रेड पैंडाज और दूसरे हैं हिमालयन रेड पैंडाज। तो हिमालयन रेड पैंडाज जो है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न म्यांमार, तिब्बत एंड वेस्टर्न यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया में हिमालयन रेड पांडा पाए जाते हैं। इसके अलावा चाइनीज रेड पांडा जो है, यह इनहेबिट करते हैं यूनान रीजन और शिनचुआ प्रोविंस ऑफ चाइना। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इनको हंट क्यों किया जाता है, तो मीट और फर के लिए किया जाता है। इसके अलावा पेट ट्रेड के लिए भी इलीगल कैप्चर किया जाता है। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो यह इंडेंजर्ड है, ध्यान में रखिएगा। तो जो रेड पैंडाज हैं कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और मैंने अभी सर्च किया तो मुझे हिमालयन रेड पैंडा और चाइनीज रेड पैंडा अलग अलग तो नहीं दिखे, ठीक है। तो आपको यही इसी तरीके से याद करना होगा, इनका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज़ हैं वह है वाइट जिराफ, ठीक है। तो यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पोचर्स ने यहाँ पे 2 एक्सट्रीमली रेयर वाइट जिराफ्स को नॉर्थ ईस्ट कीनिया में मार डाला, ठीक है। और इस कारण से अब सिर्फ एक ऐसा एनिमल बचा है, वाइट जिराफ बचा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एकमात्र बचा है, ठीक है। इसके अलावा जो वाइट अपीयरेंस है जिराफ का, हम लोग जानते हैं कि जिराफ तो पीले होते हैं, पीले और काले होते हैं, तो इनका जो वाइट अपीयरेंस है ये बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन के कारण है। इसका नाम है ल्यूसिज्म, ठीक है। तो ये ल्यूसिज्म जो है, यह बेसिकली इसमें क्या होता है कि स्किन सेल्स पिगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो पिगमेंटेशन। तो ये हो गया। अब जिराफ्स जो है, ये मोस्टली पाए जाते हैं सवाना या फिर वुडलैंड हैबिटेट्स में, और अगर आप देखिएगा तो इनका जो रेंज है ये काफी ज्यादा मतलब बड़ा रेंज है अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है। अब जिराफ का खाली आईयूसीएन स्टेटस देखिएगा तो ये होता है वल्नरेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट जिराफ का इमेज, बहुत सुंदर सा ये एनिमल है, ठीक है। और पीछे की तरफ नॉर्मल जिराफ आपको दिख रहा होगा जिसमें पिगमेंटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जिराफ जो है उनका आईयूसीएन स्टेटस आप याद रखिएगा, नॉर्मल जिराफ का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसीज आ जाती हैं वह है लॉन्ग टेल्ड मकाक्स, ठीक है, या क्रैब ईटिंग मकाक भी बोलते हैं। और यह जो नेटिव हैं, यह बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में नेटिव हैं यहाँ के, ठीक है। इनका एसोसिएशन जो है फ्रेश वाटर हैबिटेट से भी है। इनको ऑस्ट्रेलेशिया में भी पाया जाता है, और इसके अलावा इंडो मलयन रेल में भी पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में भी इनको ढूंढा जा सकता है, ठीक है। इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इनका इमेज देखते हैं, तो लॉन्ग टेल्ड मका कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनिमल है यह है हिमालयन आइबेक्स। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इन्होंने प्रूव किया है कि यह जो हिमालयन आइबेक्स हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ट्रांस हिमालयन रेंजेस में मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के, तो यह बेसिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैं साइबेरियन आइबेक्स के, ठीक है। हिमालयन आइबेक्स जो है इनको देखा जा सकता है पिन वैली नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, और कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो पिन वैली नेशनल पार्क का लोकेशन ध्यान में रखिएगा और कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन ध्यान में रखिएगा। साइबेरियन आइबेक्स स्पीसीज हैं वाइल्ड गोट के, और इनका जो एक्सटेंशन है आप देख सकते हैं मंगोलिया से स्टार्ट होता है, साथ के साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सटेंड करता है वह है अल्ताई, हंगाई, गोबी अल्ताई, हरूख माउंटेन रेंजेस, और साथ के साथ सनाया माउंटेन रेंज माउंटेन्स में भी, जो कि रशिया के पास में है, ठीक है। इनका स्कैटर्ड पॉपुलेशन आपको स्मॉल माउंटेन्स ऑफ ट्रांस अल्ताई गोबी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका स्प्रेड बेसिकली बताया गया हुआ है। आईयूसीएन स्टेटस जो है साइबेरियन आइबेक्स का यह लीस्ट कंसर्न है, और इसको जो लिस्ट किया गया है साइबेरियन आइबेक्स को शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा।
तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, साइबेरियन आइबेक्स और हिमालयन आइबेक्स भी इसी तरीके का दिखता है, ठीक है। तो इनका आप याद रखिएगा, साइबेरियन आइबेक्स का जो IUCN स्टेटस बताया गया है वह है लीस्ट कंसर्न। इसके बाद नेक्स्ट एनिमल है ग्रे सील। तो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे सील पब्स जो हैं इनकी डेथ हो गई है ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी इन एस्टोनिया एंड लाटविया, ठीक है। तो यह नॉर्डिक कोस्ट लाइन को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली नॉर्डिक कोस्ट लाइन पहली बार इन्होंने विंटर को फेस किया है जहाँ पे कोई आइस नहीं हुई है, डिकेड्स में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ग्रे सील्स को आइस की ज़रूरत पड़ती है, आखिर क्यों? तो जो भी प्रेडेटर्स हैं, वुल्फ्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, तो इनसे डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आइस की ज़रूरत होती है। तो चूंकि आइस यहाँ पे हुआ नहीं, आइसलेस विंटर हो गया, तो इस कारण से जो यहाँ पे पप्स की ब्रीडिंग है वो सही तरीके से विंटर में नहीं हो पाई, ठीक है। अब ग्रे सील्स जो हैं ये बेसिकली मैमल्स हैं जो कि कोस्टल वाटर्स में पाए जाते हैं थ्रू आउट द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसका जो इनका जो IUCN स्टेटस है यह लीस्ट कंसर्न है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे सील कुछ इस तरीके के दिखते हैं और पब जो है इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, लीस्ट कंसर्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक बर्ड को हम लोग देख लेते हैं, ब्लू थ्रोटेड मकाक, ठीक है। तो ब्लू थ्रोटेड मकाक क्या है? तो यह एक लार्ज पैरेट है जिनका अपर पार्ट प्लमेज है और साथ के साथ यहाँ पे जो उनका लॉन्ग टेल है वह टर्कोइश कलर का होता है, ठीक है। इनको माना जाता था 1992 से कि यह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर यहाँ पे साउथ अमेरिका में वाइल्ड पॉपुलेशन इस स्पीसीज का पाया गया है, तो इस कारण से ये अच्छी चीज़ है कि एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। हैबिटेट अगर देखिएगा तो फॉरेस्ट और सवाना ग्रासलैंड्स है, इस कारण से ये साउथ अमेरिका रीजन में पाए भी जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे फॉरेस्ट भी है और सवाना ग्रासलैंड भी है। फिर यहाँ पे थ्रेट्स अगर देखिएगा तो हंटिंग एंड ट्रैपिंग होता है, रैंच ऑपरेशंस भी एक थ्रेट है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है UPSC के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू थ्रोटेड मकाओ जो है वो इस तरीके के दिखते हैं, जैसा वहाँ पे था बताया हुआ कि प्लमेज इनके ऊपर पार्ट पे दिखेगा, ठीक है। तो प्लमेज मतलब फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और साथ के साथ इनका टेल देख रहे हैं, ये टर्कोइस कलर का है, ठीक है। तो इनको एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइज या फिर एलोंगेटेड टॉर्टोइज, जिसको इंडो टेस्टुडो एलोंगेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी एक रीसेंट स्टडी कंडक्ट की गई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा, तो ये याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी के हिसाब से बताया जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जो यहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइज का, वह करेंटली जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसके बाहर लाई करता है, ठीक है। तो 90% से ज़्यादा तो बाहर ही लाई कर रहा है, तो फिर प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो यही चीज़ यहाँ पे स्टडी के थ्रू पता किया गया हुआ है। और यहाँ पे जो सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइज है, तो इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में भी मिल जाएंगे, ठीक है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ध्यान में रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके अलावा थ्रेट्स क्या है? तो यह फूड के लिए हंट किए जाते हैं, इसके अलावा लोकल यूज के लिए भी कलेक्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिव मास्क बनाने के लिए, इसके अलावा इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी यह इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइज याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइज कुछ इस तरह के दिखते हैं, और इसको भी हम लोगों ने न्यूज एनालिसिस में कवर किया हुआ है, और इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ड्यूगोंग, ड्यूगोंग के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड ड्यूगोंग डे 2020 जो है ऑब्जर्व किया गया मई 28 को, इसका थीम था सेव ड्यूगोंग सेव लाइवलीहुड। ड्यूगोंग को सी काउ भी कॉमनली जाना जाता है, और ये वर्ल्ड का ओनली वेजिटेरियन मैराइन एंड मैमल है, याद रखिएगा मैमल है, ये ध्यान में रखना है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वार्म कोस्टल वाटर्स जो कि ईस्ट अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक में पाए जाते हैं, इसके अलावा रेड सी, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। थ्रेट क्या क्या है? तो यहाँ इनका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण थ्रेट है, रैम्पेड इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ के कारण थ्रेट है, वेसल से स्ट्राइक भी कर जाते हैं, और यहाँ पे अनसस्टेनेबल हंटिंग और पोचिंग भी किया जाता है, इसके अलावा अनप्लान टूरिज्म के कारण भी यहाँ पे थ्रेट क्रिएट होता है। तो इनका जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं ड्यूगोंग कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, और इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है चारू मुसल, ठीक है, इसका मतलब साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है मिस्टेला स्ट्रिगाटा, ठीक है। यह एक इन्वेसिव मसल है जो कि नेटिव है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट में। इनका स्प्रेड अगर देखा जाए तो बैक वाटर्स ऑफ केरला में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब मसल्स जो हैं इनको ऑफिन माना जाता है, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब यह मसल्स जो हैं यह बेसिकली आए हैं, तो यह बेसिकली जो फिशरमैन हैं जो कि मुलस्कन फिशरीज में एक तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो इनके लाइवलीहुड को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, पूरे तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका रैपिड जो स्प्रेड देखा गया है चारों मसल का, यह बेसिकली साइक्लोन ओकी जो 2017 में आया था, इस कारण से साइक्लोन ओकी के कारण इनका जो रैपिड स्प्रेड है देखा जा रहा है, और ये इन्वेसिव मसल है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, तो ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, सेल मॉर्फोलॉजी इनका दिख रहा है यहाँ पे, इस इमेज में आपको दिखा रहे होंगे, और ये देख रहे हैं इन्वेसिव मसल स्प्रेड जो है इनका बैकवाटर्स ऑफ केरला में देखा गया है। ठीक है, तो ये फिशरमैन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पिनांगा अंडमानेनिस, अजीब सा नाम है, पिनांगा अंडमानेनिस। ठीक है, यह एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेयर पाम है जो कि साउथ अंडमान आइलैंड में या उसके एंडेमिक है। ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका इंटायर पॉपुलेशन जो है यह नेचुरली ऑकर करता है इन टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट पॉकेट्स जो कि साउथ अंडमान में आपको मिल जाएगा, और इनका प्रेजेंस जो है यह माउंट हैरियट नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपको याद रखना होगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो साउथ अंडमान में है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर पिनांगा अंडमानेनिस जो है यह पाए जाते हैं, और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेयर पाम है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिनांगा अंडमानेनिस जो है इस तरीके का दिखता है, और याद रखिएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साउथ अंडमान रीजन में पाए जाते हैं, और माउंट हैरियट नेशनल पार्क तो ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद जो आखिरी स्पीसीज हमें देखना है वह है एंथूरियम। तो यहाँ पे रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है मास मल्टीप्लिकेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4 वेराइटीज़ ऑफ एंथूरियम। ठीक है, और ये एंथूरियम का जो प्रोडक्शन किया है, मास मल्टीप्लिकेशन किया है, यह टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू किया गया है। तो अब एंथूरियम क्या है, तो एंथूरियम एक डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वह सराउंडिंग एयर को प्यूरीफाई कर सकता है, और साथ के साथ जो भी हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है, जैसे फॉर्मलडिहाइड, अमोनिया, टोल्युइनिन, इसके अलावा ज़ाइलिन, एलर्जेंस, इन सबको हटाने का काम करता है। ठीक है, तो यह एक तरीके से आप बोल सकते हो एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ठीक है, एंथूरियम के बारे में बताया जाता है कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है, और इसका ब्यूटीफुल इनफ्लोरेसेंस है। ठीक है, दैट इज़ इसका जो प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग है ये काफ़ी सुंदर होता है। नासा ने भी इसको लिस्ट ऑफ एयर प्यूरीफायर प्लांट्स पे डाला हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी है इसके अंतर्गत। अब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो NIF इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसको 2000 में सेटअप किया गया था। NIF का जो एक नेशनल इनिशिएटिव है, और ये नेशनल इनिशिएटिव काम क्या करता है, तो यह ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, साथ के साथ जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी इस्तेमाल करता है, उसको भी स्ट्रांग बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, ये तो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया ना, पुराने टाइम से एयर प्यूरीफायर की तरह इसको भी इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई एंथूरियम, याद रखिएगा। अब इसका इमेज दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं एंथूरियम कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी सुंदर सा प्लांट है। ठीक है, और ये एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्पीसीज़ में करवाना चाहता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्टार्ट करेंगे, मुश्किल से 3 या 4 वीडियोज़ और आएंगे, फिर आपका जो ये जो इन्वायरमेंट है मार्च टू मई वाला, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पहले SNT करवा दूंगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो मतलब जून टू अगस्त वाला मैगजीन है उसमें हाथ डालूंगा। ठीक है, क्योंकि यही तरीका सही रहेगा, क्योंकि एक मैगजीन बीच में लटकाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, टिप्स फॉर UPSC ज्वाइन कर लीजिए, आशीष हमन ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।